नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। लाइव हिंदुस्तान के इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके राय की, आपके विचार की, आपके जवाब की और आपकी प्रतिक्रियाओं की। जी हां, हम अपने खबरों से जुड़ा एक सवाल करते हैं और उस सवाल पर आपके जवाब मांगते हैं और आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं और फिर वो आपको हम बताते हैं कि किसने क्या कहा और कितने लोगों ने क्या कहा। तो आज जो सवाल है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ के मार्ग में नहीं मिलेगी शराब और मांस। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? और इस पर बहुत से लोगों ने राय व्यक्त की है, बहुत से लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, कुछ लोगों में ना ने भी जवाब दिया है। तो जितने लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं उनमें से 89% लोगों का कहना है कि यह फैसला सही है और सिर्फ 11% लोगों का मानना है कि यह फैसला सही नहीं है। जिन लोगों ने ये प्रतिक्रियाएं दी हैं उनमें सच्चाई की तलाश में आम आदमी इस हैंडल से ये कहा गया है कि यह बिल्कुल सही फैसला है, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जबकि ओनली इंडियन नाम से उन्होंने कहा है कि योगी जी को सभी हिंदुओं को मीट खाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तभी वे कट्टर हिंदू बन पाएंगे। और इसके बाद जो और लोग हैं उनमें विजय दुधे हैं, उन्होंने कहा है कि लेकिन ये सब कहने की बात है क्योंकि बार तो खुले रहेंगे, रेस्तरां तो खुले रहेंगे। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं, दूसरे लोगों ने क्या कहा है। तो उसमें आशीष कुमार कहते हैं कि बाबा की बूटी तो मिलेगी ना। उसी तरह एक और प्रतिक्रिया है, वो कहते हैं कि गाजा भांग वगैरह तो मिलती रहेगी। और इसमें आवीश कुमार हैं, वो कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि वो कांवड़ियों के लिए गाजा भांग और सिगरेट पर रोक लगा दें। इसी तरह कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है, इससे असहमति भी जताई है। उसमें हसमत अली साहब हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में 95% जनता मांसाहारी है और ऐसे में ये फैसला बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। तो ये थी आपकी प्रतिक्रियाएं, ये थे आपके जवाब। अब आपको बहुत ही संक्षेप में बताएं कि मामला है क्या। तो मामला ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रा के रूट में जो इलाके आएंगे उन इलाकों में मांस और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसमें गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन ने एक बैठक करने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से ये कहा है कि वे स्वयं इलाकों को चिन्हित करें और इलाकों में जाएं और वहां ये सुनिश्चित करें कि इस आदेश को पूरी तरह लागू किया गया है। यानी कांवड़ यात्रा के दौरान गौतम बुद्ध नगर में उस रूट पर मांस और शराब की दुकानें बंद रहेंगी, पुलिस इसे इम्प्लीमेंट कराएगी। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से 26 जुलाई के बीच है और कांवड़ यात्रा का रूट भी तय हो चुका है। ये था पूरा मामला जिस पर कि आपकी प्रतिक्रियाएं हुई, आपके जवाब हुए। आप हमें एक बार फिर से बता दें कि यह प्लेटफॉर्म आपका है, खबरें हमारी होंगी, सवाल हमारे होंगे, लेकिन जवाब आपके होंगे, प्रतिक्रियाएं आपकी होंगी। सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, हम आपकी असहमतियों का पूरा सम्मान करेंगे और सर सम्मान हम वही बताएंगे जो आपने कहा है, हमारी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये कार्यक्रम हम रोज करेंगे, कल भी हम एक सवाल लेकर आएंगे और हम आपसे उम्मीद करेंगे कल भी आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए, अपना जवाब दीजिए। तो इंतजार रहेगा कल का।